शैलेश कहीं ना कहीं ये भी अगर माना जाए, अगर ली जा सकती है कस्टडी, अर्जी अगर दी जा सकती है इस पूरे केस को लेकर भी, तो कहीं ना कहीं जिन शूटर्स का अभी तक पता नहीं चल पाया है, उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े जो 5 शूटर्स है, या फिर अतीक अहमद के परिवार की हम लोग बात करें, शाइस्ता परवीन की हम लोग बात करें, सब लोग फरार है। तो अगर अतीक अहमद की कस्टडी लेती है, अर्जी इसके लिए दी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह भी माना जा सकता है कि उमेश पाल मर्डर केस से भी पर्दा हट सकता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से इस पूरे मामले में अगर आप मुख्य आरोपी के रूप में देखें तो कौन है, अतीक अहमद है। और ऐसे में अगर उसकी कस्टडी मिल जाती है, पुलिस को कस्टडी रिमांड होती है, तो वहां पर पूछताछ में कई राज सामने आएंगे। और जो एक हमने बहुत देर पहले भी देखे, हम लोग बात कर रहे थे जब आयुषी, तो एक बात आई थी कि अतीक की एक बात बड़ी चर्चा में रही, टाइमिंग गलत होने वाली, कि टाइमिंग गलत हो गई। तो निश्चित रूप से जिस तरह से लगातार सारी जो सुइयां हैं वो अतीक अहमद की तरफ मुड़ी हुई दिख रही हैं, तो ऐसे में अगर अतीक अहमद की कस्टडी रिमांड मिलती है तो काफ़ी चीज़ों से पर्दा उठ जाएगा, रहस्य खुलेंगे। लेकिन अतीक अहमद को बुलवाना इतना भी फिलहाल, जिस तरह का देखे, जिस तरह का उसका आपराधिक इतिहास रहा है, वो अगर आप देखेंगे तो इतना आसान नहीं होगा। इसलिए पुलिस को वक्त चाहिए होगा। और जो देखिए निश्चित रूप से जो बिल्कुल प्रोफेशनल माफिया है, अपराधी है, बड़े अपराधी है, खूंखार अपराधी है, उनकी जुबान खुलवाने में वक्त चाहिए होता है। इसीलिए पुलिस जो है वो उसके लिए अधिक दिन की रिमांड मांगती है, अधिक दिन की कस्टडी अपने लिए मांगती है, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके, उनसे चीज़ों को कबूलवाया जा सके, जो जानकारियां हैं वो सामने आ सके। तो ये कोशिश ज़रूर होगी। हालांकि कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या रुख है, कोर्ट उसके बाद किस तरह के निर्देश देता है, ये सामने आ जाएगा। बस देखिए यहाँ पर 27 तारीख को जब पहुँच जाएगा तीक, 28 को कोर्ट में पेशी होगी, तो देखना होगा सबसे पहले कि कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्या अतीक अहमद को कोई सजा भी होती है, क्योंकि शतक लगा चुका है अपराधों का, 100 से ऊपर मामले दर्ज, लेकिन उसके बावजूद भी सजा नहीं। तो इसलिए भी सबकी निगाहें, अगर सजा होती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा, और जो उसका एक आतंक का साम्राज्य बना हुआ है, उस आतंक के किले में एक निश्चित रूप से उस दीवार में सुराख भी होगा, जो एक खौफ लोगों के मन में है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। और सरकार भी ये बता सकेगी कि किस तरह से हमने जो कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो हमने वो करके दिखाना शुरू कर दिया है, किस तरह से इतने बड़े माफिया को भी हमने सजा दिलाने का काम किया है। तो ये कई चीज़ें होंगी, और खाली ये नहीं, अगर एक केस में सजा होती है तो उसके बाद जो बाकी केस तमाम चल रहे हैं उनकी राह जो होगी वो भी आसान हो जाएगी, उसमें भी सजा दिलाने का जो काम है और तेजी से किया जा सकेगा। और यही सरकार की कोशिश भी है, यही जो पुलिस है उसकी कोशिश भी है, इसीलिए सारे पुख्ता सबूतों के साथ में, सारे जो इससे जुड़े हुए चीज़ें हैं उनको लेकर कोर्ट में पुलिस की तरफ से रिमांड के लिए बात की जा सकती है। जहां तक बात की जाए नैनी जेल की, तो वहां पर भी जिस बैरक को तैयार किया गया था कि अहमद को रखने के लिए, कि अगर वहाँ पर रखा जाए तो उसको भी देखिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगी, वहाँ पर इस तरह से बनाया कि और अपराधी आसपास नहीं होंगे, सिर्फ अतीक अहमद की वो अलग से एक जो सेल होगी वहाँ होगी, आसपास पुलिस के पुलिसकर्मी जो जेल के लोग होते हैं वो मौजूद रहेंगे, सीसीटीवी कैमरे से हर समय 24 घंटे वहाँ पर निगरानी होगी। कहाँ से? लखनऊ मुख्यालय से, यानी कि पूरी तरह से निगाहों में रहेगा आतंक का पर्यायवाची, अगर कहे तो गलत नहीं होगा, अतीक अहमद। इस तरह की पूरी तैयारी की गई है। तो बिल्कुल ये काउंटडाउन शुरू हो गया है अतीक अहमद का, साबरमती जेल से जब निकला अतीक अहमद तो ये काउंटडाउन शुरू हो गया है। और अब देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, चाहे उमेश पाल हत्याकांड की हम लोग बात करें, जिसे लेकर पहले से ही पुलिस की तरफ से तैयारी की जा रही थी कि कैसे भी करके अर्जी दी जाए कोर्ट में और कस्टडी पे लिया जाए, अतीक अहमद को बुलवाया जाए, उसे पूछताछ हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये संभावना मानी जा रही है कि जब अगर यूपी पहुंचता है अतीक अहमद, तो इस केस से जुड़े हुए जो तमाम सवाल है पुलिस के मन में वो भी उससे किया जाए, और इसे लेकर जो अर्जी है वो भी दी जा सकती है और कोर्ट से कस्टडी भी मांगी जा सकती है। बहरहाल देखिए इन्हीं सब के बीच में तमाम तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से तेजी के साथ जो काफिला है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है, और अब कुछ ही वक्त का समय बचा है और जब ये जो काफिला है वो चित्तौड़गढ़ पहुंचेगा, जहां पर माना यह जा रहा है, अभी संभावना जताई जा रही है कि जो तीसरा स्टॉपेज है वो चित्तौड़गढ़ में हो सकता है। क्योंकि अगर चित्तौड़गढ़ के आगे के रास्ते की अगर बात की जाए तो जंगलों भरा रास्ता है, सुनसान रास्ता है, तो वो वहां पर कोई भी, यहां पर पुलिस की तरफ से कोशिश नहीं की जाएगी कि कोई स्टॉपेज लिया जाए, गाड़ी को रोका जाए। और इन तमाम संभावनाओं के बीच यही जताई जा रही है आशंका कि चित्तौड़गढ़ में एक स्टॉपेज लिया जा सकता है। फिलहाल शैलेश से एक बार फिर से अपडेट लेते हैं। शैलेश, अपडेट क्या है, कितना समय और लग सकता है चित्तौड़गढ़ पहुंचने में?
देखिए वक्त हो चुका है, कभी भी काफिला जो है वो चित्तौड़गढ़ पहुंच सकता है। और जिस तरह से हमने देखिए पहले भी कहा था, जो दूरी थी जब उदयपुर से चले थे लगभग 110 किलोमीटर की जो दूरी थी, ये माना जा रहा था कि उसको लगभग डेढ़ घंटे में जो रफ्तार है उसमें तय किया जा सकता है, सवा से डेढ़ घंटे में। लेकिन बीच में जैसा हमने कहा कि रूट जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ भी रहा एक बार, क्योंकि पहले ही चित्तौड़गढ़ पहुंचते थे, पहले ही टीम बीच में रुक भी गई कुछ मिनट के लिए, तो इस वजह से वो फासला बढ़ गया। लेकिन अब कभी भी काफिला वहां पर पहुंच सकता है चित्तौड़गढ़ में, जहां पर इन लोगों को स्टॉपेज लेना है। तो बहुत जल्द वहां पर जब काफिला पहुंचेगा उसके बाद चीजें देखिए और स्पष्ट होगी, वहां पर किस तरह से जो ड्राइवर्स हैं उनको भी चेंज किया जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखिए हम बार बार कह रहे हैं ड्राइवर्स को चेंज किया जाना, क्योंकि रात का वक्त है, लगातार जो ड्राइवर्स अभी इसमें है, और आप अगर देखें तो 6 घंटे से ऊपर का वक्त जो है वो हो चुका है, तो ऐसे में उनको भी अब चेंज कर दिया जाए। जो दूसरे ड्राइवर्स हैं जो चल रहे हैं उनको अब आगे कमान सौंपी जाएगी कि गाड़ी वो लोग चलाए, ताकि बिल्कुल किसी को रात का वक्त है, नींद की झपकी आने की कोई गुंजाइश ना रहे, बिल्कुल फ्रेश मूड में वो लोग गाड़ी चलाए। इसलिए बहुत जल्द अब इस काफिले को बीच में स्टॉपेज देकर और इन ड्राइवर्स को चेंज करने का काम किया जाएगा, जिसके बाद एक बार फिर से ये जो काफिला है वो रफ्तार भरेगा और आगे बढ़ेगा। जी शैलेश, उसके बाद माना जा रहा है, क्योंकि जैसे अनुभव ने भी बताया कि 18 स्टॉपेज है, चित्तौड़गढ़ का अगर गाड़ी रुकती है तो कितना समय वहां पर लग सकता है, कितनी देर के लिए गाड़ी रुकेगी, और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज क्या माना जाए, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि सुबह 5 बजे तक पुलिस की कोशिश यही रहेगी, जो काफिला चल रहा है उसकी कोशिश यही रहेगी कि सुबह 5 बजे तक कहीं पर भी राजस्थान में ना रोका जाए। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से लगभग जो हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ में अगर जाते हैं तो लगभग 15 से 20 मिनट तक का मैक्सिमम स्टॉपेज ये लिया जा सकता है, मैक्सिमम हो सकता है और कम समय का स्टॉपेज लिया जाए। दूसरी चीज़ जहाँ तक बात करते हैं तो देखिए निश्चित रूप से 12:30 बज रहा है रात का, और इस समय अगर काफिला वहाँ पर पहुँचता भी है तो उसके बाद में जब देखिए थोड़ी देर रुकेगा, और उसके बाद अभी कितनी देर में पहुँचेगा ये भी स्पष्ट नहीं है, तो उसके बाद यही कोशिश होगी कि लगातार 3-4 घंटे और सफ़र किया जाए। यानी जो 5 बजे का वक्त देखिए रखा गया, उसके पीछे एक बड़ी वजह भी है कि रात के अंधेरे में कहीं पर इस काफिले को अपना रोकना पड़े, रात दिन का उजाला हो जाए उसके बाद, क्योंकि देखिए मॉर्निंग का टाइम होगा, दिन का उजाला होगा, उस समय किसी को फ्रेश होना है या कोई और वजह है तो उसकी वजह से, या किसी को चाय पानी अगर करना है ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए तो उसके लिए ज़रूर रोका जा सकता है, लेकिन यही कोशिश होगी वो दिन के उजाले में हो। तो ऐसे में अब जो काफिला रुकेगा और जो 18 स्टॉपेज की देखिए बात कर रहे हैं हम, तो अब ये एक तरह से देखिए 30 स्टॉपेज है, लेकिन इसके अलावा ये बदलाव हो सकता है स्टॉपेज में, क्योंकि जैसा देखिए हमने पहले भी कहा एक गोपनीय ऑपरेशन है, यहाँ से जब अतीक को ले जाया जा रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ जो सिक्योरिटी में होती है वो यही कि जो लोग देखिए एक कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जब किसी बड़े अपराधी माफिया को ले जाया जाता है तो सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं उसको छुड़ाने की कोशिश ना हो, कहीं उसके जो साथी हैं वो उसे यहाँ से छुड़ाने के लिए कोई हमला ना हो जाए, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रहता है। और इसी वजह से जो प्लानिंग की जाती है देखिए उसमें अंत समय तक बदलाव किया जा सकता है। मान लीजिए कि चित्तौड़गढ़ में रुकना है, कोई स्टॉपेज तय है, लेकिन अचानक कोई इन्फो आती कि नहीं ये जगह सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर रुकना इस समय ठीक नहीं है, तो तत्काल उसी समय डिसीजन लेके और वो अपना फाइनल जो डिसीजन होगा उसको बदला जा सकता है। हालांकि उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी तत्काल दी जाती है कि हमें इस समय ये डिसीजन लेना पड़ रहा है परिस्थितियों को देखते हुए। तो निश्चित रूप से जो 18 स्टॉपेज की हम बात कर रहे हैं इसमें आने वाले कुछ समय में बदलाव भी देखने को मिल सकता है, जो स्टॉपेज जहाँ पर रुकना है ज़रूरी नहीं वहीं पर रोका जाए, क्योंकि अगर एक एक चीज़ पहले से जो तय और उसी हिसाब से होगा तो जो ये आशंका एक रहती है कि कोई हमला ना कर दे, उन चीज़ों की संभावना और बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं उनके लिए काम आसान हो जाता है। जो मोबाइल ना देने के पीछे का मकसद है पुलिस कर्मियों को, जो लोग अतीक के साथ बैठे हैं वो यही तो मकसद है कि कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक ना हो जाए, तो वो इन्फॉर्मेशन लीक ना हो इसके पीछे यही कि सारी चीज़ें इस गोपनीय ढंग से की जाए। तो काफिला जो देखिए आगे बढ़ रहा है इसके स्टॉपेज में परिवर्तन निश्चित रूप से किया जाएगा, जो स्टॉपेज पहले तय किए गए थे उनमें कुछ देर बाद बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये संख्या भी घटे बढ़ेगी, और रूट जो अभी फिलहाल चर्चा में है निश्चित रूप से उस रूट में भी कुछ परिवर्तन देखा जाना बिल्कुल तय मानकर चलिए। और जो हम बी प्लान की बात करते हैं वो हमेशा रेडी रहता है, इसलिए कि अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आए कि लगे कि जिस रूट पर हम चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, जहाँ पर जिस योजना के साथ हम चल रहे हैं उसमें कोई चुनौती सामने आ सकती है, तत्काल एक जो बी प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए जिसके लिए कोई भी पहले से तैयार ना हो। तो ये चीज़ें अब से कुछ देर बाद या कल सुबह तक, मतलब जब तक ये देखिए यात्रा पूरी होगी कल दोपहर तक का जो लक्ष्य है या शाम तक का, तब तक इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कुछ देर बाद का समय और है चित्तौड़गढ़ दूसरा स्टॉपेज, तीसरा स्टॉपेज जो है ये काफिला लेगा, जैसे कि शैलेश जानकारी दे रहे थे। और उसके बाद आगे देखने वाली बात है कि क्या जिन 18 स्टॉपेज की बात की जा रही है क्या वो उसी हिसाब से चलेंगे या फिर आगे कुछ और प्लान किया गया। कहीं ना कहीं शैलेश ये भी माना जाए कि कोटा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के बाद बहुत तेजी के साथ जो काफिला है वो कोटा की तरफ बढ़ेगा, कोटा पे कहीं ना कहीं ये निश्चित करता है कि कौन सा रूट चुना जा सकता है पुलिस की तरफ से। झांसी बुंदेलखंड होते हुए क्या अतीक को ले जाया जाएगा प्रयागराज, या फिर आगरा होते हुए अतीक को प्रयागराज पहुंचाया जा सकता है, बहुत कुछ निर्भर कहीं ना कहीं कोटा पर करता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से वहां कोटा पहुंचने के बाद इस काफिले के रूट में क्या तय किया जाता है ये अभी किसी को क्लियर नहीं किया गया, लेकिन दोनों जगह पर अलर्ट जरूर है, आगरा को भी अलर्ट रखा गया, झांसी को भी अलर्ट रखा। लौटूंगी आपके पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।